डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता वैसे भी परेशान है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप वालों की डीजल पेट्रोल देने में घपलेबाजी से जनता दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल पंप मालिकों की इस घपलेबाजी का शिकार गुजरात सरकार के पेट्रोकेमिकल मंत्री मुकेश पटेल भी हो गए। मंत्री जी ने कलेक्टर को फोन घुमाया और रातों रात पेट्रोल पंप सील करवा दिया गया। सूरत शहर के जहांगीरपुरा इलाके में स्थित नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप को आज सील कर दिया गया। यहां बीती रात गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के मंत्री मुकेश पटेल बिना किसी काफिले के एक सामान्य इंसान की तरह अपनी कार में डीजल भरवाने पहुंचे थे। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हमें मांगता स्टॉक रजिस्टर छेल्ला 3 तारीख पछी मेंटेन अटूज ना एक्चुअली पेट्रोल पंपनी अंदर जे दिवस तमारी डीजल की टाँकी आती हो तेज दिवसे एनु तेज समय एनु केटलू डीजल तमारा पंप आयु छे एटले स्टॉक मेंटेन करवो पड़े तेने एक सामान्य कागजनी उपर मेंटेन कर्यो। त्यारबाद अमारा टोल मार्क विभागे टोटल एनी 12 नोजल छे, 12 नोजल चेक करी, 12 नोजल चेक करता एनी 6 नोजल अंदर 10 15 ml 20 ml जेटलू डीजल पेट्रोल ओछू आवता अमे तात्कालिक एने सील कराई। मंत्री मुकेश पटेल ने अपनी कार में 4000 से अधिक रुपए का डीजल भरवाया था, लेकिन पंप के मीटर में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस बात को लेकर जब मंत्री ने डीजल भर रहे कर्मचारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने मंत्री मुकेश पटेल को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वे जिससे बात कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गुजरात सरकार के मंत्री हैं। मंत्री मुकेश पटेल ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के घपलेबाजी की सूचना रातों रात ही सूरत के कलेक्टर को दी, जिसके बाद रात को ही आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंप में पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।